Welcome to our channel Explore Food and Travel India. तो आज का फूड एक्सप्लोर में ये देखिए फ्राइड चिकन, ये है राउ फिश विथ सिसमे, ये है ब्रोकली विथ मशरूम और ये सलाद, ये सलाद और राइस. सो लेट्स स्टार्ट. स्पून. पहले क्या दो? ब्रोकली. ये है फ्राइड चिकन और ये मशरूम. सबसे पहले मैं फिश से ट्राई करता हूं. ओके, ब्रोकली, यमी यमी ब्रोकली विथ मशरूम. Yummy, yummy fish with sesame seed. Let's start. On the bench. खीरा चाहिए था. टोमेटोज. Yummy. ये जो फिश, ये है राउ फिश. ये वेरी सिंपल तरीका से मैंने बनाया. जो व्हाइट सिसमे सीड उसको मैंने पीस के टोमेटो उसके ग्रेवी में डाल के पहले ये फिश को फ्राई किया और उसके ग्रेवीज में डाल दिया. इट्स वेरी सिंपल. बहुत टेस्टी बना. चिकन तो बहुत स्पाइसी बना, बहुत यम्मी यम्मी लगा. इसमें काटा है जमा ध्यान से खा लेना.
रबिस डाल दो। इसलिए दावत जल्दी जल्दी खा ले खा रहे हैं ना। ठंडा महीने में बहुत जल्दी भूख लगती है ना। सही बात बोला दावा ने। आज तो ज्यादा को दावा को हद से ज्यादा भूख लग गया था ना। जल्दी से वीडियो बनाओ, जल्दी से वीडियो बनाओ। चैन से खा लेना जो ये राउ फिश है इसमें कांटा ज्यादा होता है। लेमन चिकन और फिश में क्या ज्यादा घी है, इतना टेस्टी बना। इतना टेस्टी लगा कुछ भी नहीं किया बेटा। ये जस्ट मैंने सिसम सीड्स क्योंकि इसका फ्लेवर आ रहा है सिसम सीड्स से, इसे चटनी में भी हो गया। सिसम सीड डालने से कितना अच्छा होता है कि नहीं। चिकन इतना स्पाइसी ज्यादा मिर्च डाली, ग्रीन चिलीज हो गया, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। फिश चिकन मुझे तब तो टेस्टी आपको फिश ज्यादा ही टेस्टी हो गया ना। फिश की पूछ फिश टेल पूछ में ज्यादा काटे होते हैं ना। दो पानी दे ले मम्मा। पूछ में ज्यादा काटे होते हैं ना। सही बात, बहुत ज्यादा होता है, ध्यान से खा लेना ठीक है। चिकन के संग
दावत को फिश अच्छा लगा या चिकन अच्छा लगा? फिश। फिश? चिकन में क्या हो गया? चिकन में स्पाइसी है और थोड़ा सा लहसुन लहसुन वाला टेस्ट आ रहा है तो इसलिए कम पसंद आ गया ना। मुझे लहसुन बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपको पसंद है? ऑफ कोर्स, बिना लहसुन तो फिर टेस्ट ही नहीं होता है खाने में, है कि नहीं? हर सब्जी में हो गया, मीट में हो गया, हर चीज में लहसुन डालना ही पड़ता है। पर आपने इसमें ज्यादा लहसुन डाल दिया शायद से ना? आपको ऐसा लग रहा है ओके सर? ओके। और ब्रोकली तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। ब्रोकली और मशरूम मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया, सिर्फ लहसुन और प्याज में भून लिया इसको, बस हल्का सा, जस्ट आपको 10 मिनट फ्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग ने हमारा पहले वाला ऑक्टोपस वाला वीडियो देखा नहीं है तो जाकर देखिए, जिसने देखा कमेंट में बताइए वो आपको कैसा लगा। वो हमारा फर्स्ट टाइम ऑक्टोपस, लेकिन बहुत ही टेस्टी था ना ऑक्टोपस। बहुत अच्छा दावा को, इसमें लहसुन थोड़ा ज्यादा लगा। ब्रोकली भी खा लो। लेकिन जितना भी मेरा ये रेसिपी है आप लोग जरूर ट्राई कर लेना। चिकन हो गया, फिश हो गया, और ये जो राउ फिश है जिंदा फिश है, ठीक है? ये जिंदा था तब हमने इसको लेके कट करके फ्राई किया और उसके बाद ये सॉस में डाल दिया। वेरी सिंपल है ये रेसिपी। और चिकन को भी मैरिनेट किया, उसके बाद फ्राई करके निकाल के फिर प्याज और बीन्स के साथ सोया सॉस डाल दिया था आगे मैरिनेट करने में, तब सिंपल से फ्राई किया। बाद में लेना।
आराम से आराम से। आप लोग को मुझको देखकर कुछ अलग लगा आप लोग कमेंट में बताइए, मतलब कि दवा में क्या चेंजेस आ गया, राइट दवा? जिसका सही आंसर होगा देखे जाएगा, दूसरे अगले वीडियो में हम बताएंगे ना। सही बात है, कुछ तो कुछ चेंजेस आया है मैंने, हम देखेंगे आप लोग को क्या दिखा दो बताइए। दवा आज कैसे लग रही है, दवा में क्या चेंजेस आ गया आज कमेंट में बताइए, मैं कमेंट पढ़ूंगी। मशरूम नहीं, ग्रेवी मम्मी ने थोड़ा कम बनाया, कम हो गया ग्रेवी। पूछ पर बहुत ज्यादा कांटे ही कांटे हैं, इसलिए ध्यान से खाना पड़ेगा पूछ। लेकिन बहुत ही टेस्टी है, स्वाद बहुत ही अच्छा है कि नहीं? आपको क्या पसंद है, फिश या चिकन? आज फिश का जो टेस्ट है मैंने बताया ना, सिस्टम से अलग सा टेस्ट, बहुत ही टेस्टी हो गया, जो ये सफेद तिल की वजह से ये बहुत ही टेस्टी हो गया ना। आराम से आराम से, अब दवा का भूख कैसे हो गया, थोड़ा कम हो गया जो और ज्यादा भूख लग रही है, कम हो गया जब भूख लगती है ना, अलग होता है कितना गंदा वाला भूख लगता है कि कब खाना खाए कब खाना खाए।
मम्मी वीडियो से आगे जब कैमरा वैमरा सेट करते जब मैं मम्मी को कब से बोले मम्मी जल्दी से वीडियो ऑन करिए मुझे भूख लग चुकी है। लेकिन अब दवा का पेट फुल हो गया ना दवा बहुत ही कष्ट आ गया। Maybe that was second. Okay. No. That was good. Did I say? तो आप बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, फिश अच्छा लगा या चिकन अच्छा लगा या ब्रोकली और मशरूम? सबसे ऑल बेस्ट, एवरीथिंग बेस्ट, 10/10। दवा को रेटिंग कितना देना चाहते हो? 10/10, 10/9 एंड 10/8। ये 10/8 ये तो इतना टेस्टी है, ये तो मेरा फेवरेट है। इसको तो मैं 10/10 ही देना चाहती हूँ। फिश भी 10/10 एंड चिकन मे बी 10/9। मैं सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन का आगे लाऊंगी, चाहे वो चिकन हो या फिश हो या पोक हो। लेकिन फर्स्ट दावा का फेवरेट क्या है? पोक। इसका फेवरेट पोर्क। हो गया पानी देना। एम सेकेंड नंबर थर्ड चलो हमको भी हो गया। आई एम डन। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।